अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप आपकी जो जश्न आज़ादी का जश्न है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड विद दिस वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। एंड हम मंडे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड द फर्स्ट शो ऑफ द वीक आपके सामने हाजिर हैं गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैंने कहा कैमरा मेरी तरफ आए तो मैं बोल दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूं और बट बहरहाल चलें जी। तो थिंग इज मुझे लगा आप भूल गए अपना नाम। नहीं सवाल ही ऐसा इसी टाइम में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वक्त मौजूद होता हूं। लेकिन बहरहाल यस आई थिंक इट इज अ वेरी एक्साइटिंग वीक और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जैसे खूबसूरत मौसम हुआ है, कराची वाले बड़ा खूबसूरत मौसम इंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही क्रिकेट के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। और जाहिर है आज के चाहे वो अभी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स हो या प्रोग्राम में आगे डिस्कशन हो, क्रिकेट विल बी आवर सेंटर ऑफ अटेंशन नॉट जस्ट फॉर टुडे बट आने वाले काफ़ी सारे दिनों के लिए। हाउएवर हम बाकी खेलों को इग्नोर नहीं करेंगे, उन पर भी डिस्कशन जारी रहेगा, लेकिन बाकी बातें बाद में। लेट्स किक स्टार्ट आवर शो विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ओवर टू सवेरा जी। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्या है गर्मा गर्म खबर आज की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रवाना तो हो चुकी थी, मगर अब पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा और नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड के स्क्वाड में तजुर्बेकार विकेट कीपर को वापस बुला लिया गया है जो 48 साल वेस्ली और वो जो कि 2019 में लास्ट टाइम खेले थे और अब फिर से आपको एक्शन में देखेंगे, विच मीन्स अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने वापस बुलाया है टू फेस पाकिस्तान। साथ ही साथ बात करें तो इंजरी के सबब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे एंड फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और धानी जो हैं ये चारों ऑप्शंस हैं जो कि जिनको मौका दिया जा सकता है एंड वनडे सीरीज ICC सुपर लीग का हिस्सा है। Absolutely, Pakistan cannot afford to relax there because Pakistan को अपने वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के चांसेस को मैं कहना चाहिए कि सॉलिडिफाई करेगी इंशाल्लाह ये सीरीज जीत के, ना सिर्फ जीत के बल्कि अच्छे मार्जिन के साथ, वाज़े मार्जिन के साथ। हाउएवर सीरीज से पहले पाकिस्तान को लोकल कंडीशंस के साथ एक्लमेटाइज करने का मौका नहीं मिल पा रहा है बिकॉज रॉटरडैम ने जहाँ पर हमारी टीम पहुँची है और जिसके करीब एम्सिलवीन में वाक़ शहर में टाउन में वहाँ के स्टेडियम में ये सीरीज़ होनी है, वहाँ पे बारिशें चल रही हैं। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि बारिशें हो रही हैं तो फिर ये सीरीज़ कैसे होगी, लेकिन अच्छी खबर ये है कि बारिशों का सिलसिला ये आज रुक सकता है, सो वी विल बी एबल टू सी दैट सीरीज़ विदाउट एनी डिले। अब मौसम है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी मैं फोरकास्ट देख रहा था, इट वाज लुकिंग प्रीटी फाइन। सो पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग सेशंस हैं उनको मुख्तसर कर दिया गया है, खिलाड़ियों ने ज़्यादातर या तो इनडोर ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग और फिज़िकल ट्रेनिंग पर उनका जो है वो ध्यान रहा या फिर खिलाड़ियों ने होटल्स पे आराम किया। बिल्कुल जी, मौसम है जैसे आपने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता है, स्पेशली जब ये इस तरह के रीजन्स में तो मौसम को कहा जाता है कि यहाँ का मौसम ऐसा जैसा बीवी का मूड, तो लेट्स सी के मौसम कैसा रहता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में जो शिरकत जिन एथलीट्स ने की थी उनकी वतन वापसी हो गई है और बड़े जोरों शोरों से वतन वापसी हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल आसिफ जमान समेत दीगर अहदेदारान ने खिलाड़ियों को इस्तकबाल किया। कौमी हीरोज को फूलों की पत्तियों से जो है बारिश हुई जब कौमी हीरोज जो है जब बाहर आए एंड पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। अभी तक जो है वेट लिफ्टर दू दस्तगीर बट जो है वो नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं वापस बिकॉज उनका भी मुकाबला बाकी है, वंस उनका मुकाबला खत्म हो जाएगा वो भी आ जाएंगे। बट दे ऑल हैड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आई होप जो आई थिंक कि जो ड्यू था एंड डेफिनेटली अच्छी बात है कि ये हुआ, मगर बस अब इस वेलकम के बाद इनको भूला ना जाए और ज़्यादा जो है हमारे एथलीट्स पे काम किया जाए बिकॉज वी हैव गॉट होप्स फॉर ओलंपिक्स नाउ। एब्सोल्युटली, और जहाँ आपने सवेरा ने बात की कि खिलाड़ियों को और रिस्पेक्ट दी जाए, एक्नॉलेज किया जाए, वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कैसा जेस्चर सामने आया है। 22 अगस्त की डेट जो है सेट की गई है जब तक पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो हैं वापस आ चुके होंगे, स्पेशली नू दस्तगीर भट्ट जो कि ऑफकोर्स अभी अपना इवेंट उनका चल रहा है, सो दे विल बी बैक इन पाकिस्तान। और 22 तारीख को वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में एक स्पेशल रिसेप्शन दिया जाएगा पाकिस्तान के इन कामयाब एथलीट्स को, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की पॉलिसी है उसके मुताबिक इनको कैश अवार्ड से इनको जो है वो नवाजा जाएगा। तो 50 लाख रुपए गोल्ड मेडल जीतने वाले को मिलते हैं और इसके अलावा जो प्रोमिनेंट खिलाड़ी जिनको ऑफ कोर्स ये
अप्रिसिएशन मिलनी है, ये कैश अवार्ड्स मिलने हैं। वी नो अबाउट अरशद नदीम हु बाय द वे इज अराइविंग एट 1 AM टुडे, सो आई एम प्रीटी होपफुल कि बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। सो इनाम भट वहाँ पर होंगे, नू दस्तगीर भट भी होंगे, और इसके अलावा शाह हुसैन शाह और बाकी पाकिस्तान के जितने मेडल विनर्स हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड जेस्चर, और हम उम्मीद ये करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ना सिर्फ ये कि ज़रा इसकी रकम भी थोड़ी सी बढ़ा दें, हमें इतने खर्चे होते रहते हैं तो ये तो डिपे हैं, बल्कि एक छोटा मोटा सा SRO निकाल के, ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है इस पर बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में कट जाता है, उस अमाउंट का भी एक वेवर दे दें। इतने SROs निकलते हैं, एक और निकाल दें, ये भी खुश हो जाएंगे, मजीद एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर चला जाएगा। सो ग्रेट, ये बात की हमने पाकिस्तान के कामयाब एथलीट्स के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि इस वक्त कश्मीर प्रीमियर लीग भी शुरू हो चुकी है, इस वीकेंड में उसका आगाज़ हुआ, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो बड़ा ख़ास फोकस है वो जम्मू जाबाज की टीम पे तो है, बिकॉज वी आर द पार्टनर्स विद जम्मू जाबाज। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच उनका बारिश की नज़र हुआ, लाला को बैटिंग करते हुए देखा? यस, बिल्कुल देखा, और मुझे लगता है कि बारिश जो है ना वो बहुत बहुत तंग करेगा KPL में, जो है वो बारिश मौसम ऐसा है जो कि बहुत तंग करेगी। मगर जब हम KPL की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो जो प्लेयर्स वहाँ इन्वॉल्व हैं KPL में, जो अपने जौहर दिखाएंगे या दिखा चुके हैं कुछ थोड़े बहुत, उनसे हम यहाँ पे गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। गेम सेट मैच पे आपको उनकी प्रेजेंस ज़रूर दिखेगी। सो इस वक्त जो है हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद टाइगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट पाकिस्तान को भी डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फास्ट बॉलर मीर हमज़ा को हम खुश आमदीद कहेंगे। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद गेम सेट मैच पर। थैंक यू। सो कैसी तैयारी चल रही है, कैसा अब क्योंकि लॉन्च हो चुका है, KPL शुरू हो गया है, मौसम बड़ा अच्छा है, मगर बारिश जो है वो मजा किरकिरा कर रही है क्रिकेट का। हाँ जी बिल्कुल, बारिश की प्रिडिक्शंस हैं आगे मैचेस के लिए भी, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशंस हैं और जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बारिश के हिसाब से ही कर रहे हैं, कि जैसे वेट बॉल्स होती हैं उस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ज़्यादातर हम मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि ओवर्स डिटेक्ट होंगे, तो उसी प्लानिंग से आ रहे हैं। और लास्ट मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एज ए टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आगे भी हमारी कोशिश यही होगी कि परफॉर्मेंस चलती रहे। हाँ बिल्कुल मीर हमज़ा, आपकी कल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, 2 विकेटें भी आपने हासिल की, और अभी मैं आपके ट्विटर की टाइमलाइन देख रहा था, माशाल्लाह 2 दिन पहले आपकी साहबजादी ने अपनी सालगिरह भी सेलिब्रेट की है, तो हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद ज़रूर कबूल कीजिएगा। बड़ा इमोशनल सा ट्वीट इन्होंने किया था, इट्स नॉट ईजी बींग अवे फ्राम होम जब बच्चों की सालगिरह हो रही हो। सो कुछ बताइए ज़रा, मैच पर तो हम आते हैं हमज़ा, लेकिन ज़रा मुजफ्फराबाद टाइगर्स इस टीम के हवाले से कैसा पाया, बैलेंस साइड नज़र आई है, लग रहा है और लास्ट टाइम तो थोड़ा सा एंड में आके आखिरी हर्डल में फंस गए थे, लेकिन इस बार कैसा लग रहा है, हाउ इज़ द मोरल? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आप सारी टीमें देख लें और हमारी टीम देखें तो हमारी बॉलिंग बैटिंग मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरी बैलेंस है। अगर हमें हिटर्स की ज़रूरत है तो हमारे पास इफ्तिखार भाई हैं, अनवर अली हैं, इसी तरह हमारे मिडिल ऑर्डर में हफीज भाई हैं, बॉलिंग में अरशद इकबाल हैं हमारे साथ, तो पूरी बैलेंस साइड है हमारी। और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप मेंटली हमकी तरफ से अगर आपको कोई इशू नहीं होता तो आप अपनी क्रिकेट को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा जब हमजा हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है मोहम्मद हफीज आपकी टीम के कप्तान हैं, प्रोफेसर वी ऑल नो, मतलब हफीज़ भाई जितना सोचते हैं कि एक चीज़ पे जितनी बात करते हैं, कितना फ़ायदा आपको उनकी कैप्टनसी में खेलने को हो रहा है, बिकॉज वो हर एस्पेक्ट को देख के और वो उसके बारे में डेफिनेटली बात भी करते हैं। बिल्कुल, टैक्टिकली तो वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि किस पिच पे हमने क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है और किस बॉलर को किस बैट्समैन के अगेंस्ट ओवर देना है और ग्राउंड कंडीशन कैसी है, तो जाहिर है उस चीज़ का हमें एज ए यंगस्टर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और लास्ट मैच में भी हफीज़ भाई हमें इसी तरह की चीज़ें बता रहे थे पिच के हवाले से, बैट्समैन के हवाले से, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से हमें सिर्फ KPL में नहीं आगे भी बड़ा फ़ायदा देगी। ट्रू हमजा, कुछ ज़रा बताइए अबाउट KPL एंड स्पेशली हम जो भी जिस प्लेयर से भी बात कर रहे हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज को, अबाउट द टैलेंट इन आज़ाद कश्मीर, बिकॉज आपकी भी टीम में ऑफ कोर्स जो इन लोकल कश्मीरीज हैं वो भी शामिल होंगे, सो आप जब देख रहे हैं उनके साथ, एक तो इन कश्मीरीज का जो ओवरऑल इनका टैलेंट है
और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ केपीएल, इन दोनों पे अगर थोड़ी सी आप हमें कुछ इस बारे में बात कर सकें हमजा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं ज़ाहिर है ये मेरा पहला सीज़न है केपीएल का, तो मैंने कश्मीरी लड़कों को इतना देखा नहीं था, लेकिन मैंने आके मैं बड़ा सरप्राइज हुआ उनके टैलेंट को बॉलिंग बैटिंग दोनों में। और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर टीम में कश्मीरी प्लेयर्स जो है अपना इनपुट डाल रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और आप आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे हमारी टीम के प्लेयर्स जो कश्मीर के प्लेयर्स हैं, क्योंकि लास्ट मैच में दिखे नहीं इसलिए क्योंकि सिर्फ 5 ओवर्स का मैच था। और इंशाल्लाह आपको कश्मीर से, क्योंकि हमने उनको प्रैक्टिस मैचेस में देख लिया है, सिर्फ हमारी टीम में नहीं बल्कि बाकी सारी टीमों में भी कश्मीर से आपको नया टैलेंट मिलेगा। ये लोग बड़े स्किलफुल प्लेयर्स हैं क्योंकि इनके पास इस तरह का एक जो है एक टूर्नामेंट कभी मिला नहीं है इतने बड़े तो ये जो है मेरे ख्याल से केपीएल उनको अपने स्किल्स शो करने के लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे वो अपने स्किल्स पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। और बाकी केपीएल की जो पूरा एक इन्होंने जिस तरह हमें होटलिंग दी हुई है, जिस तरह इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया है और फैसिलिटी तरह की दी हुई है, मेरे ख्याल से ये एक इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज हैं और हम उनके बहुत ज़्यादा इस हवाले से थैंकफुल भी हैं। जबरदस्त। वैसे हमजा कहा यह जाता है कि फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अच्छे फील्डर नहीं होते, मगर क्या जबरदस्त कैच आपने पकड़ा, बड़ी चर्चा है उस कैच की। अब बिल आपने सुना ही होगा कैचेस विन मैचेस, तो अगर आप एक अच्छा रन आउट करते हो या एक अच्छा कैच पकड़ते हो तो उससे सिर्फ प्लेयर आउट नहीं होता बल्कि आपकी टीम का मोराल बहुत उठ जाता है। और लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि उसके उस कैच के बाद जो है एक तो हमने फिनिश किया, ऊपर से वो कैच भी बड़ा इम्पोर्टेंट कैच था क्योंकि आमिर यामीन बैटिंग कर रहा था, तो मेरे ख्याल से टीम जो है एक तरह से बिल्कुल उठ गई थी बॉलिंग में बैटिंग में। तो इन द एंड अगर आपकी टीम को किसी चीज से फायदा होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा हमजा, वैसे आपने अभी आमिर यामीन का भी जिक्र किया और शर्जील भी एक्शन में नजर आ रहे थे, अहमद शहजाद भी हैं, शाहिद खान आफरीदी भी हैं, ये केपीएल में तो पीएसएल वाली फीलिंग तो आ रही होगी वैसे, कुछ आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं पहले सीजन में खेल रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे वही प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में खेल और जाहिर है कंडीशंस भी वही हैं, लोकल कंडीशंस पता कि अपने होम ग्राउंड्स हैं और ये जो है वो बैटिंग पिचेस हैं और एज ए बॉलर आपको काफ़ी मुश्किल भी होगी इन पिचों पे आउट करना और रन बचाना, स्पेशली आपके सामने अगर शर्जील, शुएब मकसूद और इस बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं अगर आप उनको फेस करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम पीएसएल खेल रहे हैं या केपीएल खेल रहे हैं। अच्छा अब हमजा थोड़ा सा जरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूं आपसे, तो अभी जो फास्ट बॉलिंग लॉट है हमारे पास, आपको लगता है कि ये तो ये जो नीदरलैंड्स गई है यही लॉट, अगर मैं इसकी बात करूँ या जो एशिया कप में हमें खेलते हुए देखेंगे फास्ट बॉलर्स, डू यू थिंक कि ये जाके ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 के लिए उतने इम्पैक्टफुल होंगे? बिल्कुल इम्पैक्टफुल होंगे। इन्होंने आप देखें पिछले 2-3 साल में दुनिया के हर ग्राउंड में हर कंडीशन में परफॉर्म किया है और ये सारे मैच विनिंग बॉलर्स हैं और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और ये सिर्फ कह नहीं रहा, उनकी परफॉर्मेंस कह रही हैं। मेरे ख्याल से जो ये हमारा जो बॉलिंग कम्बिनेशन बना हुआ है इनको हमें एज ए बॉलर भी या एज ए क्रिकेटर या एज ए पाकिस्तानी बैक करना चाहिए और कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और होपफुली वो वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हमजा पाकिस्तान टीम की बात जा रही है अपनी जगह, आपके हवाले से भी अगर आपके करियर के हवाले से भी हम बात करें, आपने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, आपने एक टेस्ट मैच खेला, पहले टेस्ट में जा रहा है परफॉर्म करना एक्सपेक्ट करना कि जी कोई बड़ी तबाही फेर देंगे ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन हमजा अपना करियर को आप, वेयर आर यू लुकिंग एट योर करियर राइट नाउ, आपके यहाँ फर्स्ट क्लास हम जब रिकॉर्ड देखते हैं माशाल्लाह 360 विकेट एट एन एवरेज ऑफ 21.66, दिस इज एक्स्ट्रॉडनरी। और मैं अगर लिस्ट ये भी देखता हूँ T20 पे, यस डेफिनेटली बात हो सकती है इम्प्रूवमेंट्स कैन कम बट वी नो इट्स अ बैट्समैन गेम, लेकिन हमजा डिसअपॉइंटमेंट तो खैर ज़रूर होती होगी, लेकिन क्या क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, क्या आज भी सुबह उठते हैं तो इसी जज्बे के साथ के हमारी जो ग्रीन कैप है वो एक बार फिर से पहननी है टेस्ट की? मेरे ख्याल से एज ए क्रिकेटर सिर्फ मैं नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तान के
दुनिया के प्लेयर्स हैं वो जब सुबह उठते हैं तो इसी एम के साथ उठते हैं कि हमने एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और मेरे ख्याल से अगर किसी का ये पर्पज ना हो या ये गोल ना हो तो उनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। बिल्कुल मेरा जब टेस्ट डेब्यू हुआ तो मैं इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप हुआ, PSL से ड्रॉप हुआ और 2-3 साल तक ड्रॉप। लेकिन प्लेयर आपको अपने अंदर भी कुछ वीकनेसेस देखनी चाहिए होती है और मैंने देखी और मैंने उस पर वर्क किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, स्किल्स में अपने आप को मजीद इम्प्रूव किया, फिटनेस मजीद इम्प्रूव की। और आप पिछले 1-1.5 साल से देखें, चाहे कायद अजम ट्रॉफी हो या वनडे मैचेस हो या इवन PSL KPL हो, उसमें मेरी परफॉर्मेंसेज काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं टीम में मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि जिससे टीम को फ़ायदा हो और एटलीस्ट 1 से 2 मैचेस ऐसे हों पूरे टूर्नामेंट में कि जो मैं अपनी तरफ से मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर टीम को जितवा सकूँ। तो मैं मैच बाय मैच चलता हूँ, ज़्यादा दूर की नहीं सोचता, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं होती उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन जाहिर है इन द एंड पर्पज़ यही होता है कि पाकिस्तान की टीम में जगह बनाए और पाकिस्तान को जितवा सके, मैचेस जितवा सके, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जब भी मुझे जगह मिलेगी तो इंशाल्लाह परफॉर्म करूँगा। सो हमसे जिस तरह आपने कहा कि अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट देखनी होती है, बहुत रेयरली ये प्लेयर्स जो हैं कोई आके यहाँ पे कहता है कि नहीं जी मुझे अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करनी है, वो कहते हैं नहीं जी हमें सेलेक्ट ही नहीं करते, विक्टिम के तौर से प्रेजेंट करते हैं, हम बेचारे। ये मैं पहली दफ़ा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुन रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड कि इंसान को अपनी गलतियाँ पता होनी चाहिए। 2018 में आपने टेस्ट खेला पाकिस्तान के लिए, 2022 हो गए, इस 4 साल में अगर मैं ये पूछूँ कि मीर हमजा ऑन द स्केल ऑफ 10 कितना बेहतर हुए हैं, मतलब अगर मैं कहूं कि 1 जो है वो वर्स्ट है और 10 बेस्ट है, तो अब मीर हमजा किस नंबर पे आके खड़े होते? देखें मेरे ख्याल से 2018 के बाद मेरी टीम में काफी डाउनफॉल आया, आप सबने देखा होगा, मैं तकरीबन हर चीज से बाहर हो गया था। सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज नहीं, मेरे ख्याल से मैंने अपने आप को अपना एटीट्यूड भी चेंज किया, अपनी जो एक मेंटालिटी होती है ये किसी चीज के बारे में, जो एक्सपेक्टेशंस होती है बेसिकली, जो लोग कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन मारती हैं, तो वो काफी चीजें मैंने अपने लाइफ में चेंज की। और जो एज ए क्रिकेटर आपको चेंज करनी भी पड़ती हैं अगर आप बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब मैं जाहिर है रेटिंग तो नहीं कर सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जो 2018 के बाद जो मेरे करियर में डाउनफॉल है उसका मुझे बहुत फायदा हुआ, एज ए पर्सन भी, एज ए क्रिकेटर भी मैं काफी चेंज हुआ। इस वक्त मेरे ख्याल से जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और जिस सोच के साथ एक्चुअली खेल रहा हूँ, जिस एटीट्यूड के साथ खेल रहा हूँ, उसको मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी हुई हैं। दैट्स वेरी नाइस हमसा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत ही बिजी टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, जाहिर है आई एम श्योर जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं, हम तो फैंस हैं, आप तो खेलने वाले हैं, आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी होने वाला है हमजा। 2 हफ्ते की बात है और मुझे जो भी मिल रहा है मैं उससे पूछ रहा हूँ, 28 तारीख यानी कितने, दो हफ्ते रह गए ना, 13 दिन रह गया बल्कि आपको सिर्फ। सो एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान मैच के हवाले से क्या लग रहा है, इस बार फिर दुबई में हरा रहे हैं हम उनको इंशाल्लाह? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम सब और मेरे ख्याल से मेंटली इंडिया हमसे ज़्यादा प्रेशर में होगी, क्योंकि लास्ट मैच हमने इनको बल्कि 10 विकेटों से हराना बिल्कुल एक सरप्राइज लॉस था इंडिया के लिए। और इस चीज़ का हमें ज़ाहिर एक फ़ायदा ज़रूर, एडवांटेज ज़रूर होगा और हमारी दुआ भी है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जितनी मेहनत कर रही है, मैं ज़ाहिर अभी इनके साथ था पाकिस्तान शाहीन में और जिस तरह वो अपना होमवर्क है, तो इंशाल्लाह मेरी तो पूरी वो है, उम्मीद है कि पाकिस्तान दोबारा जो है वो मैच जीतेगी इंडिया से, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप बिल्कुल ऐसी परफॉर्मेंस हो और इस बारी हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं और हम जो हैं बड़ी मेहनत उसी तरह कर कर जाएं जिस तरह हमने पिछली दफ़ा मेहनत की थी कि ये वो कहते हैं ना ये बेड़ियां तोड़नी थी और वो बेड़ियां तोड़ी थी हमारी इस टीम ने। बट हमजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई होप कि आप इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस में करते रहें और यू नेवर नो, कभी भी आपको पता नहीं चलता कब आपकी जो है वो नेशनल ड्यूटी के लिए कॉल आ जाए। सो ऑल आर बेस्ट विशेज टू यू, आई होप आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। तो वक्त गेम सेट मैच पे यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस जैसे ही आएंगे तो डिस्कशन करेंगे कल। कर।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले मीर हमजा से हमारी गुफ्तगू चल रही थी केपीएल के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, मगर जब क्रिकेट की बात हो ही रही है सो एक और क्रिकेट इवेंट जो कि विच इज हैपनिंग राइट नाउ और 100 की बड़े चर्चा है। वैसे अदील, डू यू इवन इंडोर्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 100? मुझे तो वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये हो क्या रहा है, ये 100 है फिर 80s आ जाएंगे फिर 115 आ जाएगा, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड। अब मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड में भी जिस वक्त ये फॉर्मेट यूज कराया गया था तो वहाँ पे भी जो उनके काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ था कि आपके पास वाइटैलिटी ब्लास्ट ऑलरेडी एक टूर्नामेंट था विच इज़ रीजनेबली पॉपुलर, बट देन यू ब्रॉट इन, अगर आपको फ्रेंचाइज लानी थी तो आप उसी में ही फ्रेंचाइज ला सकते थे एंड ऑल। आई रियली डोंट सी, ये मेरे ख्याल से एक देखिए इंग्लैंड का अपना एक चैलेंज है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर देयर। क्रिकेट जब से इंग्लैंड में पेपर व्यू पे गया है, जब से वो हम कह सकते हैं स्काई पे गया है फ्रॉम बीबीसी और चैनल 4, उसके बाद से द जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो ड्विंडल कर रही है, तो वो हर वो कहते हैं ना दे आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को दोबारा कैसे बढ़ाया जा सके। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी आई फाइंड इट अ यूजलेस टूर्नामेंट। और एक और मेजर रीजन जो वो बताते हैं वो यही, क्योंकि आपको उसकी ग्राफिक्स वगैरह से अंदाजा होगा इट्स मोर लाइक अ वीडियो गेम काइंड ऑफ ग्राफिक्स, वो दे थिंक दैट दे विल अटैच द यूथ विद इट, और वाकई काफ़ी बच्चे बच्चे दिखते हैं वहाँ पे बैठे हुए स्पेक्टेटर्स में, तो शायद वो अपनी यूथ को जो है वो दूसरे स्पोर्ट्स से निकाल के क्रिकेट की तरफ गेज करना चाहते हैं। बट 100, क्योंकि हम 100 की बात कर रहे हैं, द मेजर इशू दैट हैपेंड दैट वाज मोहम्मद हसनैन बोलिंग टू स्टोइनिस, एंड स्टोइनिस की विकेट लेने के बाद द काइंड ऑफ एक्शंस दैट स्टोइनिस डिड डाउटिंग ऑन हिज बोलिंग एक्शन, और मतलब मुझे ये लगता है कि दिस वाज वेरी वेरी लो फ्रॉम हिम। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी हम क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, यस आई थिंक वी नीड टू क्रिएट सम नॉइज अबाउट इट। इस पर शोर मचाना पड़ेगा, भाई तुम उसकी गेंद पर आउट हो गया, अच्छा सुना है बाद में उसने बोला कि जी मैं स्पर ऑफ द मोमेंट ये कर दिया, नहीं आई थिंक किसी एक प्लेयर के लिए, आई मीन दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट दैट यू आर डूइंग टू दैट प्लेयर, वो बेचारा उसका करियर तकरीबन जो है ना वो डीरेल्ड हो जाता, और हम वी नो हसनैन वापस आना, ही हैज कम बैक विद अ वेरी गुड एक्शन नाउ, बहुत फ्लो में एक्शन आ गया, एंड द गुड थिंग वी शुड बी हैप्पी दैट हसनैन इज स्टिल टेकिंग विकेट, वी आर हैप्पी कि उसने स्टोइनिस की विकेट जो है वो ली, भाई आउट हो गए और चले जाओ, ये क्या कहना कि यार ही स्टिल थ्रोइंग स्टिल थ्रोइंग, कम ऑन। आई मीन आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का हमें पता है, हम शायद बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस वर ट्राइंग टू एक्ट लाइक गुड बॉयज व्हेन दे वर इन पाकिस्तान, उनकी जो टीम है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि दे आर नो मोर दो सार लूजर्स जो हुआ करते थे कि जीत रहे हैं तो बड़े एरोगेंट होते थे, हारते थे तो बहुत रोते थे। मुझे लगता है कि वो डीएनए में मसला है, ये प्रॉब्लम अभी तक चल रही है इनके साथ और इतना आसान इनके लिए होगा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि इस पे शोर मचना चाहिए, एक बंदा क्लियर करवा के आए अपना पूरा एक्शन, एक बड़े पेनफुल प्रोसेस, एक उसके साइकोलॉजिकली उसके लिए बड़ा पेनफुल प्रोसेस था, पीसीबी ने बड़ा क्यूरेट करके रखा, अगर आपको याद हो हमने बड़ी कोशिश भी की कि किसी तरह हसनैन को हम आए उससे बात करें, बट इट वाज नॉट इजी सीरियसली। और एक खिलाड़ी जब यहां से निकल कर आता है एक मैच को विच इज बीइंग टेलीवाइज्ड इंटरनेशनली, उसमें ये करना, आई थिंक स्टोइनिस को कोई ना कोई वार्निंग या कुछ तो मिलनी चाहिए। Do you think the board should come forward and should protect their player? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। I mean, हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बहुत एक्टिव हुआ है, कोई भी एक बयान दे दे कुछ कर दे उनकी तरफ से फौरन रिबटल आता है, ऐसा नहीं हो रहा, वरना जनरली हम ये देखते हैं कि बोर्ड खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और वो है कि जी मिट्टी पाओ मूव ऑन एंड ऑल स्टॉप, लेकिन हमारा पीसीबी फॉर बेटर और वर्स आई डोंट नो बट वो बहुत आके ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो आके रिस्पॉन्स देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आज ही इस पर जो है ना वो कोई इनको जवाब देना चाहिए Definitely. और अपने प्लेयर को डिफेंड करना चाहिए। हसनैन इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, स्टिल इज। बिल्कुल, और जिस तरह चेंज्ड एक्शन के साथ ही लुक्स ब्रिलियंट राइट नाउ, एंड आई होप कि कोई ना कोई कुछ उस पर जो है एक्शन लिया जाए। बट अब हम बात करेंगे हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जो कि कॉमनवेल्थ पे गए और उसके बाद से हम ढूंढ रहे हैं उनको, नहीं नहीं वो उन बॉक्सेस में से बिल्कुल भी नहीं, बट हम उनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए। कादिर इज नॉट कमिंग बैक, सो अब्दुल कादिर ख्वाजा वेलकम बैक, और अब ये मूव कर गए हैं यूके से, ये नीदरलैंड्स पहुंच गए और पाकिस्तान टीम के साथ 14 अगस्त भी मनाई। सो कादिर वेलकम टू गेम सेट मैच, सबसे पहले तो 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कैसा रहा कैसी रही ये सेलिब्रेशन टीम पाकिस्तान के साथ? थैंक यू वेरी मच सवेरा। पाकिस्तान का जब कौमी दिन था और जश्न आज़ादी का दिन था गुज़श्ता रोज़, तो वो पाकिस्तान टीम एंड टीम ने अपनी कम्युनिटी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है नीदरलैंड्स में मुकीम, वहां पर सेलिब्रेशन की, और डेन हाग एक शहर है नीदरलैंड्स का, वहां पर पाकिस्तानी खाना है, वहां पर उन्होंने डिप्टी जो हेड ऑफ मिशन है वासिफ अली, उन्होंने इस्तकबाल किया पाकिस्तान टीम का,
और उन्होंने एयरपोर्ट पे भी पाकिस्तान टीम का वो इस्तकबाल करने गए थे। तो बड़ा अच्छी जो है वो तकरीब रही गुज़श्ता रोज़, और पूरी जो वनडे स्क्वाड है जो इस वक्त नीदरलैंड में मौजूद है रोटरडैम में, वो गई थी शिरकत करने। वहाँ पर जो है वो बाबर आजम ने खिताब भी किया, और बाबर आजम ने बड़े उम्दा तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया। और बाबर आजम का ये कहना था कि तमाम जो अफराद हैं यूरोप में मुकीम हैं वो ट्रैवलिंग के ज़रिए रोटरडैम आएँ और बाय रोड आएँ या बाय प्लेन आएँ, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने जो कल मैच होने जा रहा है पहला वनडे, उसके लिए रोटरडैम स्टेडियम में लाजमी आएँ। और बड़ा अच्छा एक उनको फीडबैक भी दिया जो बाहर जो पाकिस्तानी मुकीम थे ओवरसीज़ जो शिरकत कर रहे थे एम्बेसी में, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया कौमी टीम का तमाम अफराद के साथ। खास तौर पर शाहनवाज धानी की बात की जाए तो वो तो ग्राउंड में भी हमें जो है वो एक हंसमुख चेहरा नज़र आता है, और उसके बाद उनके साथ सेल्फियाँ लीं, बाबर आजम के साथ सेल्फी दी, रिजवान, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, तमाम खिलाड़ियों के साथ जो है वो जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तानी जिन्होंने एम्बेसी में शिरकत की है जश्न आज़ादी तकरीब में, उसमें उन्होंने तमाम अफराद ने जो है वो सेल्फीज ली अपने अपने खिलाड़ियों ने अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ, और बच्चों ने भी खास तौर पर ऑटोग्राफ लिए, बैट साइन करवाए बाबर आजम से, शाहीन शाफरीदी से, रिजवान से। कादिर तो कुछ जरा बताएं, ये मैंने सुना है कि अभी बल्कि हमने खबर भी शामिल की थी कि रोटरडम में बारिश वगैरह काफी हो रही है और इसकी वजह से प्रैक्टिस ही मुतासर हुई है। सो अभी मैं वेदर प्रडिक्शन देख रहा था, बट ये ज़ाहिर है वेदर विजिट्स होती हैं, ऐप्स होती हैं जो बताती हैं कि अभी तो फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन ओवरऑल वेदर कैसा है? वैसे तो यूरोप में जनरली काफ़ी एक हीट स्पेल वगैरह भी अभी चलता रहा है, लेकिन जनरली ठंडा क्लाइमेट ही होता है। सो इस वक्त कैसा मौसम है जहाँ पर आप हैं? देखें अभी तो मुझे पता लगा था कि अदील कराची में बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, हम लोग तो यहाँ पर जो है वो गर्मी खा रहे हैं। इंग्लैंड से जब हमने मूव किया यहाँ पर नीदरलैंड पे, पहले एम्स्टरडेम में जो है वो काफ़ी शदीद गर्मी थी, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 35 वो पाकिस्तान के टेम्परेचर के 45 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एटमोसफेयर क्लियर है और धूप जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, और काफ़ी जो है वो शदीद जो है वो गर्म गर्मी यहाँ पर हमने देखने को मिली। गुज़श्ता रोज़ जो है वो काफ़ी सख्त गर्मी में कौमी टीम ने ट्रेनिंग की, 3 घंटे पर मुहित जो ट्रेनिंग सेशन था, आज भी जो है वो सुबह जब हुई है उसके बाद जो है वो गहरे स्याह बादल आए और उसके बाद बारिश काफ़ी हुई, काफ़ी देर होती थी बारिश, उसके बाद पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन भी मुतासर हुआ, और पाकिस्तान टीम ने फिर जो है वो रोटरडैम स्टेडियम के इंडोर हॉल जो है इंडोर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर ट्रेनिंग की, बॉलर्स को आज आराम दिया गया, बैटर्स ने आज खसूसी तौर पर बैटिंग प्रैक्टिस की, और बाकी जो हेड कोच थे वो भी उनकी ज़ेर निगरानी यहाँ पर प्रैक्टिस होती रही। मौसम की बात की जाए तो अभी इस वक्त जो है वो बादल ज़रूर हैं लेकिन गर्मी उसी तरह बरकरार है, कल भी जो है वो प्रेडिक्ट किया गया है कि कल भी बारिश मतवक्के है, स्पेल होते रहेंगे बारिश के, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हवा चलती रहती है साथ साथ, थोड़ी सी आजकल के जो दिन थे 4-5 गुज़श्ता 4-5 रोज़ थे उसमें काफ़ी हीट वेव स्पेल था, हवा भी नहीं थी और काफ़ी जो है वो ह्यूमिडिटी थी, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, अलबत्त आज से जो है वो मौसम बेहतर होना शुरू हुआ है। आई होप कि कल जो है वो जो जिस वक्त खेला जा रहा है मैच उस वक्त ना हो, उससे पहले उसके बाद हो जाए बारिश, बिकॉज मैच जो है वो भरपूर तरीके से होना चाहिए। बट कोई टीम न्यूज़ सामने आई है कादिर, कुछ पता चल रहा है कि क्या 11 उतरेगी? देखें अभी तक जो मैं इस वक्त टीम होटल में मौजूद हूँ, पीछे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा टीम होटल है, तो मैं यहाँ पर अभी इस वक्त आया था तो यही सुनने को मिल रहा है कि अभी तक जो है वो प्लेइंग 11 फाइनल नहीं की गई, रात को जो है वो टीम मीटिंग है, अभी टीम जो है वो आउटिंग के लिए बाहर जा रही है, उसके बाद जो है जब वापस आएगी तो टीम मीटिंग होगी, कैप्टन और हेड कोच के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद प्लेइंग 11 फाइनल की जाएगी। अलबत्ता जो शाहीन शाफरीदी हैं गुज़श्ता रोज़ भी हमने उनको देखा कि वो फिजियो के साथ जो है फिजियो उन पर काम कर रहे थे, रिहैब का अमल शुरू हो चुका है, और पहले 2 मैचेस में जो है उनकी शिरकत जो है वो मतवक्के नहीं है, अलबत्ता तीसरे मैच में उनको देखा जा सकता है, तीसरा मैच में उनको चांस दिया जाने का इम्कान है। और अभी नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पिच है वो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा अच्छी है और उनको सपोर्ट करती है, हेल्प देती है, इसलिए फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा इन किया जाएगा। नवाज़ अंदर आएंगे स्पिनर के तौर पर, जाहिद महमूद का भी कोई चांस नहीं लग रहा, अलबत्त ऊपर से जो टॉप ऑर्डर है वो क्लियर है जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है, इमामुल हक है, फ़खर जमान है, और दरमियान में जो है वो ऑलराउंडर के तौर पर मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया जाएगा। अलबत्त नीचे से जो बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर उसमें नसीम शाह हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हारिस रऊफ हैं और शाहनवाज धानी है। तो अभी तक कोई इस तरह की इतला नहीं है, फाइनल नहीं की गई प्लेइंग 11, जब प्लेइंग 11 फाइनल होगी तो हम अपने नाजरीन को उसी वक्त आगाह करेंगे।
और कादिर, जो नेदरलैंड्स की टीम की अगर हम बात करें, बिकॉज ज़रा नेदरलैंड्स आपको पता है कि एसोसिएट मेंबर है, टेस्ट नहीं खेलते, ज़रा उनकी कवरेज भी कम होती है, हम भी कम फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ये पता चला है कि उनकी टीम के जो पिछले जो स्क्वाड जो खेला था उसके 7 खिलाड़ी गालबन वो तो हंड्रेड्स खेल रहे हैं और इंग्लैंड की कोई रॉयल कप वगैरह में मशरूफ़ हैं, वो तो काफ़ी वीक टीम लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना, पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है विदाउट डाउट, उनकी टीम भी काफी वीक आ रही है, क्या इसकी नॉलेज है आपको? आप आर यू अवेयर ऑफ दिस? देखिए अनिल, जो नीदरलैंड क्रिकेट टीम की बात है, हम लोग यहाँ से तीन चार रोज हो गए हैं, हमें यहाँ पर मौजूद है रोटरडैम में, तो रोटरडैम में हमने जो है उनको ट्रेनिंग करते या उनकी किसी किस्म की इतला नहीं आई कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और क्योंकि अभी जो 2 सीरीज उन्होंने खेली है यहाँ पर अपने नीदरलैंड्स में, और वो उसके साथ जो है वो उसके बाद से इजी हो चुके हैं, अभी हमने उनके मीडिया मैनेजर से भी बात की तो उनका यही कहना था कि हमारी टीम जो है वो ठीक है, और इमाम से जब आज इंटरव्यू हुआ, इमाम को मैंने जब इंटरव्यू किया, वो अभी नशर भी हुआ है समा पर, तो इमाम ने भी यही कहा कि जो छोटी टीमें होती हैं उनका अंदाज़ा नहीं होता कि उनके फास्ट बॉलर स्पिनर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अलबत्ता छोटी टीमों के जो फास्ट बॉलर और स्पिनर जो होते हैं, जब ये हमारे सामने आते हैं तो उनसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि उनको कभी खेला नहीं हुआ था, तो इसलिए कौमी टीम जो है वो हर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनिंग भी कर रही थी, प्रैक्टिस भी कर रही थी, आज सुबह भी कंडीशन देखी ग्राउंड की, गुज़श्ता रोज जो गर्मी में ट्रेनिंग की गई है उसमें भी मुख्तलिफ पिचेस पर जाके जो है वो कौमी टीम ने ट्रेनिंग की, 3 नेट्स लगे हुए थे दरमियान में, उसके बाद जो है वो साइड ग्राउंड के साइड पर 2 पिचेस मौजूद हैं, वहां पर भी जाकर प्लेयर जो है वो ट्रेनिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मौसम की सूरत हाल से जो है वो आगाह होते रहे, बार बार जो है वो उनके जो कोचेस थे, असिस्टेंट जो कोचेस हैं, बैटिंग कोचेस शाहिद साहब, एटलीस्ट टीम पाकिस्तान ये कॉन्फिडेंस तो लेकर जाएगी, बिकॉज इंग्लैंड के साथ जो खेला गई जो सीरीज खेली गई उसमें पहले ही मैच में इंग्लैंड ने जो हाल किया था नीदरलैंड्स का, 498 रन बना दिए थे उनके अगेंस्ट, रिकवर किया था नीदरलैंड्स ने बाकी 2, मतलब उसमें पार्शली रिकवर किया था, सो ये माइंडसेट तो लेकर सामने आई रही होगी ना हमारी टीम। देखिए जरूर इस पे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी टीम के पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है, आपके पास ओपनिंग जो स्लॉट है वो भी बेहतरीन है, उसके बाद आपके 1 डाउन और 2 डाउन भी बेहतरीन है, बैटर्स हैं, हमने गुज़श्ता रोज जो देखा है वो उसमें एक चीज़ जो है वो बड़ी यूनिक लगी है, अलग लगी है कि वो मोहम्मद रिजवान जब नेट में अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर आजम जब नेट में अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे, इमाम और फखर ये जो टॉप 4 के जो बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर के, वो जब बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो स्टॉप और सिंगल और डबल्स की बजाय हार्ड हिटिंग पर हमने उनको देखा है कि वो फुल टॉसेस और शॉर्ट पिचेस की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे और ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे बॉल को, तो इट मींस कि पाकिस्तान टीम जो है वो एग्रेसिव स्टार्ट लेना चाहेगी अगर जो बैटिंग करती है और उनको टारगेट देती है, तो पाकिस्तान टीम के लिए ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि जो बाबर आजम है दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं इस टाइम, बाबर आजम अगर जो है वो इस सेंचुरी कर लेते हैं वो जो है वो 10 सेंचुरीज करने वाले पहले पाकिस्तानी बैटर होंगे, तो इसी वजह से बाबर आजम की भी कोशिश होगी कि इनिंग को बिल्ड करें, अपनी सेंचुरी बनाएं और ये भी जो है वो एजाज अपने नाम करें। अलबत्ता पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त नीदरलैंड से बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैटर्स भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर भी अच्छा है, तो पाकिस्तान टीम को ये एज हासिल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो उन पर हावी हो सकती है, और अगर आप जिस तरह इंग्लैंड की बात कर रहे थे तो इंग्लैंड में जो भी बैटर आ रहा था वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, अग्रेसिवली क्रिकेट खेल रहा था, प्रेशर बिल्ड कर रहा था, तो इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए होगा कि पाकिस्तान जो है वो जब बैटिंग करे उस वक्त जो है वो जारहाना अग्रेशन के साथ खेले। बिल्कुल कादिर, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर टाइम। लैंड्स बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बस मौसम भी बड़ा, मौसम भी बहुत अच्छा है, बस बाकी आप ख्याल कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह माशाल्लाह जी, यूके और अब नेदरलैंड्स एंड मेनलैंड यूरोप नाउ, सो एंजॉय योर टाइम ब्रदर। एंड टॉकिंग अबाउट, जब हम यूके की बात करते हैं ऑफ कोर्स, अभी बर्मिंघम में पाकिस्तानीज वर इन एक्शन इन कॉमनवेल्थ गेम्स, काफ़ी लिहाज से पाकिस्तान के लिए बड़ा यादगार कॉमनवेल्थ गेम्स रहा, जाहिर है पाकिस्तान ने मेडल्स भी जीते हैं कई दहाइयों बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स के बाद पाकिस्तान ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो पुट अप की है। उसमें जब हम पाकिस्तान के हीरोज़ की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट हीरो रहा है, आप जानते हैं हम किन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के नामवर पहलवान गुजरावाला के इनाम बट जो है गोल्ड तो नहीं जीत पाए लेकिन बहरहाल ही बिकेम सवेरा ही एक्टेड लाइक एन एम्बेसडर, यानी एक होता ना, हाँ मुझे लगता है वो जो शेफ़ डी मिशन जो होता है, जो चीफ ऑफ मिशन होता है, द सीनियर
द सीनियर गाय, वो ट्वीट भी वही करते हैं आई थिंक, वो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को पता नहीं, वो अपडेट कर रहे हैं, वही ट्वीट्स, वही वीडियो लगा रहा है, वही कर रहा है, उसकी टीम काम कर रही थी। सो भाई हमारे साथ अब इनाम बट जो है, ऑफ कोर्स वी न्यू के द इंजरी इशू एंड ऑल देन इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम, बट बहरहाल अभी हमने ये भी बताया कि वजीर आजम साहब जो है वो मिलने वाले हैं पाकिस्तान के कामयाब एथलीट से, पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट से ऑन द 22nd of August। सो इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और इनाम के साथ हम जरा गुफ्तगू करते हैं। तो सवेरा, यस, तो इनाम सबसे पहले तो खुशामदीद गेम सेट मैच में, और सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, जिस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है वो आपकी परफॉर्मेंस रही, ठीक है सिल्वर मेडल आया, हम अभी भी हमें बड़ा गुरूर है आप पे एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बट कहीं ना कहीं मुझे, आपने कादर से भी बात की थी, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर आपके चेहरे पर वो अफसोस दिखा कि आप अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के फजलो करम के साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता, फर्स्ट 3 फाइटें मैंने विन की, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अनफॉर्चुनेटली गोल्ड नहीं जीत सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कॉमनवेल्थ का मुकाबला होता है पूरी दुनिया के टॉप 72 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इन कंट्रीज़ में इतने बड़े लेवल पर कम्पीट करना और फिर सिल्वर मेडल जीतना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े शुक्र का मुकाम है। बिल्कुल गोल्ड मेडल होता तो वो ज़्यादा, एक ज़्यादा खुशी थी उसकी कि मैं अपने मुल्क का तराना भी जो है वहाँ पर सुनता, लेकिन चले मैं समझता हूँ कि गोल्ड मेडल ना सही, सिल्वर मेडल मिल गया, तो ये मेडल मैं समझता हूँ कि पूरे पाक जीत है। इनाम फाइनल सब, हम सब जिसे कहते हैं ना बहुत ही गौर से हमदन गोश होके जो है वो सब पूरा पाकिस्तान देख रहा था, और आप ज़ाहिर पहुंचे भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से फाइनल में थे, लेकिन जब आप फाइनल में आए तो मेरे को थके हुए नज़र आ रहे थे, आई मीन टायर्डनेस कुछ नज़र आ रही थी, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि यू आर अप, अनफॉर्चुनेटली क्या कोई इंजरी का इशू था, हरीफ तगड़ा था, वो क्या हुआ कि इनाम बट अपने स्टाइल में परफॉर्म नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, फाइनल का मुकाबला तो किसी भी इवेंट का बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला होता है, और फाइनल में पहुंचने से पहले मैंने 3 खिलाड़ियों को हराया, स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को मैंने हराया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को हराया, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी को मैंने नॉकआउट किया सेमीफाइनल में, और अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल के दौरान मेरे घुटने में मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, और बिल्कुल उसके 1 घंटे के बाद ही हमारा फाइनल का मैच था जिसमें मुझे टाइम नहीं मिल सका, और मैंने वो इंजरी के दौरान ही अपनी फाइट को कंटिन्यू मुझे करना पड़ा, और उसी दर्द के साथ मैं खेला, और इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मैं 2010 में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत चुका हूँ, इंडियन खिलाड़ी को हराया था, 2016 में भी मैंने गुवाहाटी के मुकाम पर भी इंडियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता, 2018 में भी हराया, तो मैं समझता हूँ कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, आपने अपना 100% देना होता है, आपकी कोशिश ये होती है कि आप अपने मुल्क के लिए मैक्सिमम करें, और प्रेशर कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि इतना होता है, क्योंकि आपने एक एफर्ट की होती है, दुआ आपके साथ पूरे पाकिस्तान की होती है, तो आपने बस अपना 100% देना होता है, और इस इंजरी में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% दिया, फिर जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा हुआ था वो हमें मिला, सिल्वर मेडल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे इस सिल्वर मेडल को इंशाल्लाह गोल्ड में बदलेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल, और मतलब अगर अभी मैं अगर इंजरी की नौइयत पूछूं इनाम आपसे, तो क्या बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं अभी मसरूफ हूँ वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंजरी के बावजूद भी यहाँ पर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद वर्ल्ड बीच का हमारा मुकाबला होने जा रहा है जो कि इंशाल्लाह यूरोप में रोमानिया में होगा, और बहुत कोशिश होगी कि मैं उस मुकाबले में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक मुकाबला है, तो अभी इस साल तकरीबन 2 से 3 और मुकाबले आ रहे हैं, और पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि मैं अपने पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद करूं, और इंशाल्लाह जितनी मैं एफर्ट कर सकता हूँ इस प्यारे पाकिस्तान के लिए वो ज़रूर करूँ। इनाम, एक जो तश्नगी रही इस पूरे मामले में वो ये कि पाकिस्तान के जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे रेसलर थे, 3 फाइनल्स में हम इंडिया के रेसलर्स के हाथों शिकस्त खा गए, सो क्या वजह थी? आपका एक बड़ा इमोशनल सी हमने एक स्टेटमेंट भी सुनी थी एंड ऑल, सो ज़रा कुछ हमें बताएं कि क्या तगड़े ज़्यादा थे, फैसिलिटीज़ या ट्रेनिंग में कोई बहुत बड़ा फ़र्क था, टैलेंट का इशू था, क्या कहेंगे? 3 इंडिया से हम फाइनल हार गए। अजी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 52 सालों में सबसे ज़्यादा बेस्ट रही है,
और पाकिस्तान के जो रेसलर हैं इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। हम टोटल 6 खिलाड़ियों को लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह 3 ने जो है सिल्वर मेडल जीते, 2 ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल अगर हम मीडिया के साथ मुकाबलों की बात करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमें अच्छा मुकाबला देखने को भी मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाड़ी सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि अगर हम बजट की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो रेसलिंग फेडरेशन है उसका सालाना बजट तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए है और उनका करोड़ों में बात चली जाती है और इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उनके खिलाड़ियों का, बार बार वो इवेंट खेल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खिलाड़ियों को इतने ज़्यादा इवेंट नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क है, पाकिस्तान में आज तक एक भी रेसलिंग अकेडमी का क्याम मुमकिन नहीं हो सका। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अच्छा, इनाम अगर मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, कॉमनवेल्थ पे जिस तरह आपने कहा, मैं अगर रेसलर्स की बात करूं, पहलवानों की बात करूं तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के पहलवानों ने एक पूरी धाक बिठा दी है, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के पहलवानों ने परफॉर्मेंस दी है। टोटल 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और तमाम के तमाम जो रेसलर हैं उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 57 केजी में असद अली बिल्कुल यंगस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अनायतुल्लाह ब्रॉन्ज मेडल लेने में कामयाब हुए। 74 केजी में बिल्कुल यंगस्टर थे हमारे, अभी 20 साल उनकी एज है, शरीफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 86 में इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वे आर शॉर्ट ऑन टाइम, गेम सेट मैच का बस वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू फ्रॉम गेम सेट मैच, फ्रॉम समा टीवी, एंड आई होप आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहे। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हो गया है, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय। Wonderful.